हे दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मेरे कुछ भाई हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती होगी और कुछ भाइयों को ये प्रॉब्लम आ भी रही है कि अपनी जब भी वो USB पेन ड्राइव को अपने PS3 में लगाते हैं तो कुछ जो फाइल्स होती है वो शो नहीं होती, यानी कि कोई भी फाइल हो गई, अपडेट की फाइल या फिर अपने गेम्स लेके, ठीक है, अगर वो गेम भी कॉपी करते तो वहाँ पे USB शो ही नहीं होती तो गेम्स कहाँ से शो होंगे, तो मतलब कुछ भी शो नहीं होता, ठीक है। तो इसका इजी मेथड है आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप लोगों ने PC से ट्राई कर लिया होगा, PC से आप ये अपनी पेन ड्राइव को FAT32 पर फॉर्मेट कर लेते होंगे बट फिर भी शो नहीं करती है वो, ठीक है। फ़ोन से करते होंगे फिर भी शो नहीं करती है, तो मैं आपको उसका सिंपल सा मेथड बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो करना है, एक सैमसंग का फ़ोन, ठीक है, आपके घर में किसी के पास भी हो या आपके फ्रेंड के पास हो तो एक सैमसंग का एंड्रॉयड फ़ोन आपको लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो पेन ड्राइव होगी उसे OTG के थ्रू अपने फ़ोन में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो मैं अपने पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद दोस्तों आपको सबसे पहले वहाँ पे देख लेना है कि आपकी पेन ड्राइव शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे माई फाइल्स में जाकर एक बार अपनी पेन ड्राइव को देख लूँगा। तो देखिए, यहाँ पर USB स्टोरेज 1 मेरी शो हो रही है, ठीक है, 28 GB की, तो मेरी पेन ड्राइव यहाँ पे शो हो रही है। सिंपली मैं बैक कर लूँगा और बाहर आ जाऊँगा। अब दोस्तों आपको जाना है सेटिंग्स में, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाऊँगा। देन सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना है और नीचे जाके देखिए दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन होगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड पे स्टोरेज वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो ऊपर के साइड कोने में आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद एडवांस का ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आना है और नीचे देखेंगे आप सैंड डिस्क, जो मेरी USB पेन ड्राइव है वो शो हो रही है 28 GB की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मुझे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक तो फॉर्मेट वाला और एक अनमाउंट वाला। तो मैं अपनी पेन ड्राइव को जो यहाँ से फॉर्मेट करूँगा, ठीक है, तो फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट USB ड्राइव, इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो आपकी जो USB होगी वो फॉर्मेट हो जाएगी और ये FAT32 पर ही फॉर्मेट होगी, तो आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि आपको सिलेक्ट करना पड़े EAX या NTFS, ये सिंपली जैसे भी फॉर्मेट होगी ये FAT32 पे ही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी पेन ड्राइव है PS3 में अगर मैं लगाऊंगा तो वो शो हो जाएगी, यानी कि इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और एक चीज़ का आप और ध्यान कर लें, या मान लीजिए अगर मैं कोई फाइल अपनी यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार। मान लीजिए मैंने कोई फाइल अपनी यहाँ पे इंटरनल से कॉपी करके अपनी USB स्टोरेज में डाल दी, ठीक है, यहाँ पे, तो मुझे उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, उस केस में भी मुझे यहाँ इसी वाले ऑप्शन पे वापस से आना होगा, ठीक है। फाइल कॉपी कर दी, उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर वापस से आना है और इसे अनमाउंट करना है, ठीक है, यहाँ पर अनमाउंट शो रहा है तो मैं अनमाउंट करूँगा, ठीक है। तो आपकी जो फ़ाइल कॉपी की होगी आपने, वो फ़ाइल कभी भी करप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों और आपको हेल्पफुल रहे, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन करवा दे, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें।